अब आपके लिए मतलब सुनेंगे एक बार जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं छपरा का ये छपरा के सरजमीन है, कलकत्ता से लोग आए हैं, हजरत असनसोल से आए हैं, एक माहौल बनाने के लिए मैं खड़ा हूं ताकि आप सुनने के लिए तैयार हो। वैसे जहां जिस जगह पर फखर सारा रहते हैं वहां फिर किसी माहौल के बनने बनाने की जरूरत है नहीं। ये तो वैसे ही खमीसी का अकेले माहौल बना रहता है। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक मतलब पढ़ता हूं फरमाइश, और मुझे भी ये कलाम बड़ा पसंद है। मैं आप में चाहता ये कलाम इसलिए पसंद है कि इसका सब्जेक्ट जो है ना बड़ा बड़ा जावेद सिद्दीकी गोंडा के बड़े शायर हैं, उन्होंने इस कलाम को लिखा है। बहुत सारे शोरा इस कलाम को पढ़ते हैं हम। मैं भी आप में चाहता हूं कुछ अभाव दिखाई से इसका सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। हर चीज का उनवान विषय है, सब्जेक्ट जब है इसका सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है। क्या है जरा सुनें, शायर कहते हैं कि हुजूर आप को देखना चाहता हूँ। आप नहीं देखना चाहते, इससे अच्छी बात क्या हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शायर कहता है अगर आपके दिल की आवाज हो तो आप खामोश नहीं बैठेंगे कि हुजूर आप को देखना इंशाल्लाह।
جامع کوثر میرے آقا ہمیں پلائیں گے وہاں دیکھ لیں گے۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، ذرا ایک بار سب لوگ جھوم کر کریں سبحان اللہ، اور ذرا ایک بار مچل کے دونوں ہاتھوں کو لڑا کے بولے یا رسول اللہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ارے سارے حشر تشر چلوا دکھا چلوا دکھا سر حشر چلوا نکلنے سے پہلے یہ ہماری حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک صحابی آپ کا سرکار کر رہا ہے، اور وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، ان کو پتا تھا میرے آقا سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، وہ آتے ہیں کیا کیا مرنے سنیں اور سبجیکٹ وہی ہے حضور آپ کو بلند آواز حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا Yeah.